फुल एडर, आज की वीडियो में अपन फुल एडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फुल एडर किस तरीके से काम करता है, तो फुल एडर क्या करता है, 3 बिट के लिए होता है। जिस तरीके से हाफ एडर 2 बिट के लिए होता था, उसी तरीके से फुल एडर अपना 3 बिट के लिए होता है। तो 3 बिट का रिप्रेजेंटेशन इस तरह किया जाता है। सबसे पहला ये इसको ए रिप्रेजेंट करता है सम के लिए, ए रिप्रेजेंट करता है इसकी कैरी के लिए। तो 0 प्लस 0 प्लस के अंदर जो सम और कैरी वो दोनों 0 रहेंगे, इसके लिए सम 1 होगा, कैरी 0 रहेगी। 0 1 0 के लिए कैरी हमेशा 0, सम की वैल्यू 1। 0 1 1 के लिए हमेशा वैल्यू सम की 0, कैरी की 1। 1 0 0 के लिए दोबारा से इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1। 1 0 1 है, अगर 2 1 है तो कैरी हमेशा 1, सम हमेशा 0। फिर से 2 1 है तो कैरी हमेशा 1, सम हमेशा 0। अगर 3 1 है तो कैरी भी 1 और सम भी 1। तो इस तरीके से इसका ये बनेगा। अब इसके बाद बात आती है इसके सर्किट की। तो सर्किट के लिए हमेशा मिन टर्म क्या अपन देखते हैं, तो मिन टर्म क्या होता है, मिन टर्म वो होते हैं जो जहाँ जहाँ पे 1 है, इस जगह 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 पे 4 जगह पे 1 है। इसमें भी अपन कैरी में भी देखें तो 1 2 3 4 जगह पे 1 है। तो यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे 2 1 है, इस जगह पे 2 1 है, इस जगह पर भी 2 1 है, इस जगह पर भी 2 1 है, इस जगह पर भी कम से कम 2 1 तो है ही है, 3रा 1 भी है लेकिन 2 1 तो है ही है, तब ये जाके कैरी 1 देता है। तो अपन जो इसका जो पहले जो अगर मिन टर्म का जो फॉर्म निकलता है, तो इसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं, के मैप की मदद से देखते हैं। तो के मैप बनाते हैं, के मैप किस तरीके से बनाते हैं, के मैप कुछ इस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई और जेड है केवल, तो यहाँ पे जेड बार आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बार वाई बार आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स बार वाई, यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई बार, इस तरीके से इसके 4 कॉलम बन जाएंगे। और यहाँ पे 2 रो बनानी है तो अपन को 2 रो बन जाएंगे। अब बात आती है किस किस जगह पे बनाएगा, तो यहाँ पर ऊपर मैं पहले ही आपको बता सका हूँ किस किस जगह पे बनाएगा। इसमें मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इस जगह पे बनाएगा, इस जगह पे बनाएगा, इस जगह पे बनाएगा और इस जगह पे बनाएगा। क्योंकि इसके अंदर कोई किसी का कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, कोई ग्रुपिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए अपन ऐसा यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स एक्जोर वाई एक्जोर जेड। यहाँ पे किसी की ग्रुपिंग नहीं हो रही है, ये तो अपना हो गया किसके लिए, सम के लिए अपना परफॉर्म हो गया। अब अपन कर लेते हैं कैरी के लिए परफॉर्म, कैरी के लिए, कैरी के लिए जब अपन कार्नोट मैप बनाएंगे तो उसमें भी कितने 4 बना रहे थे, तो उसमें भी एक्स वाई और जेड, तो यहाँ पे एक जेड बार आएगा, एक जेड आएगा और इस तरीके से 4 कॉलम वही रहेगा, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई, एक्स वाई और एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें अपन किस किस जगह पे, जहाँ जहाँ पे 2 1 थे उसी जगह पे इसका आउटपुट आ रहा था, तो इसका आउटपुट एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, तो इसमें ग्रुपिंग की पॉसिबिलिटी है। तो कितने ग्रुप बनेंगे, एक यहाँ पे इस ग्रुप बन जाएगा, एक ए वाला ग्रुप बन जाएगा और एक ए वाला ग्रुप, यानी कि 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो तीनों ग्रुप से अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस वाले ग्रुप से देखें तो इसमें क्या है, बाई की वैल्यू कॉमन है और जेड की वैल्यू कॉमन है, तो अपना क्या बनेगा, बाई जेड। इस वाले ग्रुप से अपन ध्यान से देखें अगर इस वाला ग्रुप, तो इस वाले के अंदर एक्स की वैल्यू कॉमन है और जेड की वैल्यू, तो अपना जो बनेगा उस एक्स जेड। और ऊपर नीचे वाले ग्रुप में देखें तो एक्स वाई की वैल्यू कॉमन है, तो अपना तीसरा ग्रुप बनेगा एक्स वाई। तो अगर कैरी की बात करें तो वाई जेड, एक्स जेड और एक्स वाई। अब बात कर लेते हैं कि फुल एडर का अपन जो डायग्राम बनाते हैं, तो फुल एडर का डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो फुल एडर के डायग्राम में अपन ने देख लिया कि एक्स एक्स और वाई, एक्स एक्स और वाई एक्स और जेड और वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई। तो अपन इसको वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स वाई जैसे का तैसा रहेगा, वाई जेड प्लस एक्स जेड को अपन लिख सकते हैं एक्स एक्स एक्जोर वाई, एक्स एक्जोर वाई का मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स वाई, ऐसा जो इसको लिख सकते हैं। उसका एक रीजन है क्योंकि अपन जानते हैं कि एक्स एक्जोर वाई को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर नॉर्मली अपन देखें तो एक्स एक्जोर वाई का अपन जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों में अगर आप जेड का मल्टीप्लाई करें, जैसे इसके अंदर करके देखें और इसके अंदर अगर करके देखें
तो दोनों के अंदर करेंगे तो इसका क्या बनेगा, एक्स जेड और प्लस वाई जेड, जो कि ये वाला रिजल्ट अपने को एक्स जेड और वाई जेड वाला रिजल्ट अपने को वापस से दे देगा, और इन की वैल्यू तो हमेशा जीरो हो ही जाएगी, तो इसकी तो मतलब ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रिजल्ट वापस आ जाएगा, तो इसलिए अपन को इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसको लिखने से फ़ायदा क्या होता है, इसको लिखने से फ़ायदा क्या होता है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हाफ एडर बनाते हैं, क्या करते हैं, एक हाफ एडर बनाते हैं, एक बनाते हैं एंड गेट, एक एंड गेट, दो वैल्यू लेते हैं एक्स और वाई, और एक बनाते हैं अपन और गेट, कुछ इस तरीके से कुछ बनता है और गेट, ए एक्सोर गेट, सॉरी एक्सोर गेट। इसके अंदर वैल्यू जो है वो ए वाली वैल्यू है, एक ए वाली वैल्यू है और एक जे ए वाली वैल्यू है, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों में दी, तो यहाँ पे जब अपन आउटपुट बनता तो क्या बनता है, एक्स वाई, एक्सोर का आउटपुट क्या बनता है, एक्स एक्सोर वाई, इस तरीके से इसका आउटपुट बनता है। अपने पास क्या है, तीन वेरिएबल है यहाँ पे, फुल एडर के अंदर तीन वेरिएबल होते हैं एक्स वाई और जेड, तो अपन को क्या करना है, एक और अपन को क्या करना है, अपने पास एक्स एक्सोर वाई आ चुका है, अभी अपन ध्यान से देखें तो अपन को क्या करना था, अपन को एक्स एक्सोर वाई निकालना भी था, तो अपना एक्स एक्सोर वाई यहाँ पे आ चुका है, और ऊपर भी अपन ने अगर देखें तो एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, इस तरीके से नीचे लिख देता हूँ मैं एक जगह पे, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स एक्सोर वाई का मल्टीप्लाई जेड प्लस एक्स वाई, एक तो ये निकालना है अपने को कैरी के लिए, दूसरा अपन को एक्स एक्सोर वाई एक्सोर एक्सोर जेड, ये अपन को निकालना है सम के लिए, और ये वाला निकालना है कैरी के लिए। तो अपन किस तरीके से निकाल लेंगे, अपने पास एक्स एक्सोर वाई आ गया और एक्स वाई आ गया, तो अपन क्या करेंगे, एक्स एक्सोर जो वाई आया है इसके अंदर एक एक्सोर गेट, एक एक्सोर गेट अपन और लगा देंगे, एक एक्सोर गेट और लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे एक बिट और आएगी, एक बिट तो ये होगी एक्स एक्सोर वाई, एक और आएगी जिसका नाम रहेगा जेड, एक्स एक्सोर वाई और जेड रहेगी, तो इससे जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट क्या निकलेगा, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, तीसरी बिट और आ गई, तो यानी कि अपना जो सम वाला ऑपरेशन था वो यहाँ पे फॉलो हो चुका है, पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब केवल क्या रहेगा, एक्स एक्सोर वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई का, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक एंड गेट लगाएंगे, क्या करेंगे, एक एंड गेट लगाएंगे, उस एंड गेट के अंदर एक तो इसको इनपुट लेंगे, किसको, एक्स एक्सोर वाई, एक्स एक्सोर वाई को इनपुट लेंगे, और किसका इनपुट जाएगा, जेड का, ये जो जेड वाली है एक इसका इनपुट जाएगा, यानी कि इन दो वैल्यू का इनपुट यहाँ पे जाएगा, तो इसका जो आउटपुट क्या निकालेगा, एंड गेट अगर करते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन अपना आउटपुट निकालता है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एस एक्सोर एक्स एक्सोर वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, एक्स एक्सोर वाई मल्टीप्लाई बाई जेड इसका आउटपुट आ जाएगा। लेकिन अपन यहाँ से देखेंगे, ये सब तो परफॉर्म हो गया, ए भी वाला भी परफॉर्म हो गया, ए वाला पूरा सम का, अब प्लस एक्स वाई रह गया, प्लस एक्स वाई किस तरीके से आ गया, अपने पास यहाँ पे एक्स वाई इनपुट है, एक्स एक्सोर वाई जेड दो इनपुट है, तो अपन क्या करेंगे, इस वाले से अपन एक और गेट, एक अपन और गेट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और गेट, ए वाला है क्या, और गेट लगा देंगे, और गेट के अंदर दो इनपुट रहेंगे, एक तो ए वाला इनपुट रहेगा, कौन सा, एक्स एक्सोर वाई इंटू जेड, एक अपन ए वाला इनपुट उठाएंगे और ए वाला इनपुट ले जाके यहाँ पे और को दे देंगे, तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट बन जाएगा एक्स एक्सोर वाई जिसका मल्टीप्लाई वाई जेड प्लस एक्स वाई, तो ये क्या, कैरी को भी फॉलो कर देगा। तो इस तरीके से अपन देखेंगे तो फुल एडर का जो डायग्राम है, दो हाफ एडर, एक और डायग्राम, एक और गेट लगा के अपन ने आसानी से इसको बना लिया, दो हाफ एडर और एक और डायग्राम। अगर आपको एक क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको केवल डायग्राम को दोबारा से बना के आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से आप उसको दिखाई दे, ठीक है, जिससे आपको समझने में या इसको करने में कभी दिक्कत ना आए। किस तरीके से डायग्राम बना था, सबसे पहला अपन ने एक और गेट लगाया था, एक एंड गेट, एक और गेट लगाया था, तो यहाँ पे अपन ने एक एंड गेट लगाया, उसका एक आउटपुट निकला था एक्स वाई, एक अपन ने और गेट बनाया,
एक अपन ने और गेट बनाया था जिसके अंदर इनपुट दिया था इसी एक्स को और इसी वाई को अपन ने इनपुट दिया था। तो एक्सोर गेट ने अपना काम किया, एक्स एक्सोर वाई निकाल के दे दिया, एंड गेट ने अपना काम किया, एक्स वाई निकाल के दे दिया। ठीक है, अब इतना होने के बाद क्या होगा, अब इतना होने के बाद जब अपन को मालूम पड़ा कि अपन को एक और क्या निकालना है, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, तो एक जेड इनपुट और लेना है। अपन इससे अपन ने क्या किया, इससे अपन ने एक एक्सोर गेट और जोड़ दिया, इससे अपन ने एक एक्सोर गेट और जोड़ दिया, इसमें एक इनपुट बढ़ा दिया जेड, जेड नाम का एक इनपुट बढ़ाया, तो इसने जो आउटपुट दिया वो क्या दिया, एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड। क्यों? क्योंकि इस एक्सोर गेट है तो एक्सोर आउटपुट ही देखा, तो अपना यहाँ पे सम वाला ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन को क्या करना था, एक्स एक्सोर वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, तो अपने पास एक्स एक्सोर वाई भी है और जेड भी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए अपन एंड गेट लगा देंगे। एक एंड गेट बनाया, उसके अंदर एक्स एक्सोर वाई और जेड दोनों का इनपुट ले लिया, दोनों का इनपुट लिया, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सोर वाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई बाई जेड, जेड से इसका मल्टीप्लाई, तो अपना ये आउटपुट आ गया। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को निकालना है एक्स एक्सोर वाई जेड तो हो गया, प्लस एक्स वाई इसके अंदर करना है, एक्स वाई भी है अपने पास। अब इसको प्लस करने के लिए अपन क्या करते हैं, और गेट का यूज करते हैं। तो और गेट अपन किस तरीके से लगाएंगे, और गेट लगाने के लिए इसी के अंदर अपन एक और गेट को ऐड कर देंगे। और गेट को ऐड करेंगे तो एक तो एक्स एक्सोर वाई जेड है अपने पास, एक अपना ये वाला इनपुट उठाएंगे और ये वाला इनपुट ले जाके और गेट के अंदर डाल देंगे, तो अपना जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक्स एक्सोर वाई मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस एक्स वाई। तो इस तरीके से अपना जो है फुल एडर का डायग्राम बन गया, और ये बहुत ही सिंपल सा था। तो अपन ने कैरी और सम दोनों को निकाल लिया, सम हो गया एक्स एक्सोर वाई एक्सोर जेड, कैरी हो गया अपना एक्स प्लस वाई का मल्टीप्लाई बाई जेड, मतलब एक्सोर वाई का जेड प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो फुल एडर आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हाफ सब ट्रैक्टर के साथ। ठीक है।